नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, 100 साल बाद आई भीषण महामारी, कदम कदम पर ले रही है दुनिया की परीक्षा। बीते समय में देशवासियों ने जो सहा है उसे मैं भी कर रहा हूँ महसूस। COVID-19 महामारी को एक अदृश्य दुश्मन करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार इस महामारी की दूसरी लहर से मुकाबले के लिए युद्ध स्तर पर कर रही काम। मोदी ने जताई उम्मीद, इस लड़ाई में विजय हासिल करेगा देश। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की जेल में कैदियों के बीच फायरिंग, पश्चिम यूपी के गैंगस्टर मुकीम काला समेत 3 कैदियों की मौत। NIA अफसर तंजील अहमद की हत्या का आरोपी था मुकीम। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या रोची के एंटीबॉडी कॉकटेल से टोसिलीजुमैब के लिए मांग कम होगी? रोची के एंटीबॉडी कॉकटेल को कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की दी गई है आपात मंजूरी। NDRF ने अरब सागर में बन रहे चक्रवात तोकते से निपटने के लिए 53 दलों का किया तैयार। NDRF के DG SN प्रधान ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में की जा रही है तैनाती। भारत बायोटेक ने गुजरात, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों को भेजी कोवैक्सीन की खेप। हैदराबाद स्थित कंपनी को टीके की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर झेलना पड़ी थी आलोचना। भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के बिगड़े बोल, कोरोना वायरस एक जीवित जीव, उसे भी जीने का अधिकार। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने ट्वीट कर कहा, फिर तो इसका आधार कार्ड और राशन कार्ड भी होगा। मई का दूसरा हफ्ता भारत में कोरोना वायरस से जंग में भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण। 7 दिन में 5 बार 4 लाख से कम नए कोरोना मरीज मिले तो 4000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले साल COVID-19 फैलने के बाद से अब तक दुर्लभ और गंभीर फंगल संक्रमण म्यूकरमाइकोसिस से 52 लोगों की मौत। म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की जारी की 8वीं किस्त। एक बटन दबाकर 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में डाले गए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को ईद पर नमाज के लिए उमड़ी भीड़। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक, पड़ोसी राज्यों से आ रही एम्बुलेंस को रोका जा रहा था बॉर्डर पर। मरीजों से मांगी जा रही थी अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति। पुणे में ब्लैक फंगस के 270 मामले आए सामने। संभाग आयुक्त सौरभ राव ने बताया, मरीजों के उपचार के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल के राज्य जगदीश धनखड़ राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा से पीड़ित लोगों से मिले। आगोमनी क्षेत्र के रान पगली कैंप में पहुंचे राज्यपाल, कहा लोग पुलिस थाने जाने में डर रहे हैं, पुलिस सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यूथ कांग्रेस के ऑफिस पहुंची। युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने कहा, वे जानना चाहते थे कि हम लोगों की मदद किस तरह कर रहे हैं। हमने उनके सभी प्रश्नों के दिए जवाब। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम सभी गांवों में बना रहे कोरोना केयर सेंटर, 5 लोगों की टीम घर घर जाकर करेगी जांच। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज हैदराबाद में लगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब में कस्टम फार्मा सर्विस के दीपक सापरा को लगी पहली वैक्सीन। शेयर बाजार में मामूली बढ़त, 42 अंक बढ़कर 48,733 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में 19 अंक की गिरावट। फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा ने बढ़ाया मदद का हाथ। यशराज फिल्म्स बैनर के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न के बजट का इस्तेमाल वे दिहाड़ी कामगारों को राहत देने में करेंगे खर्च। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, वरुण धवन, अनिल कपूर, भूमि पेडनेकर सहित तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने दी ईद की बधाई, कहा घर पर ही मनाएं ईद का जश्न। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।